नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ जया मिश्रा। कर्नाटक का जनादेश किसे मिलेगा, अब इस पर पेज फंसती जा रही है। और इस वक्त रुख करते एक बड़ी खबर का। कर्नाटक चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सीएम येदियुरप्पा और अन्य नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अमित शाह के निर्देश पर धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा और प्रकाश जावड़ेकर अब मिलने के लिए पहुंचेंगे। और जेडीएस नेता श्रवणा का दावा है कि हम जीतेंगे कर्नाटक का चुनाव का कप। तो किसी भी सूरत में बीजेपी अपने हाथ से कर्नाटक को नहीं जाने देने वाली है। और यही वजह है कि चाहे पेज कितना भी फंसे, बीजेपी को पता है कि उसे कैसे सुलझाना है। और धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, जेपी नड्डा सभी कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीएस नेता श्रवणा का दावा, बीजेपी सरकार बनाने वाली है। चुनाव का कब बीजेपी के हाथों में ही होगा। और बीजेपी के सीएम येदियुरप्पा अभी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीएस नेता श्रवणा का दावा है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन यहां पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है। बीजेपी के सीएम येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलेंगे, मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 107 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से अब कर्नाटक का जो चुनावी रण है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आखिर कौन किंग होगा कर्नाटक का, इस पर पेच फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सीएम प्रत्याशी येदियुरप्पा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन जेडीएस ने कांग्रेस के समर्थन को माना है। उन्होंने कहा है कि हम भी कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि पहले रिजल्ट पूरी तरीके से सामने आ जाए, उसके बाद सरकार किसकी बनेगी, किस तरीके से ये पूरी राजनीति होगी, सियासी समीकरण कैसे बैठता है, इस पर विचार किया जाएगा। और तस्वीरें देख सकते हैं आप, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं और सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। बीजेपी को 106 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 77, जेडीएस 37 और अदर्स को 2। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 222 सीटों के लिए मतगणना सुबह से जारी है, जहां पर अब एक तरीके से साफ हो चुका है कि बीजेपी को 106 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस 77, जेडीएस 37 और अदर्स को 2। Whosoever they will decide will head the government, and today in the evening hopefully we will go together and give in writing to the governor to form the government, because both JDS, Congress and some allies put together, as the trends go as of now, it seems to be our number put together are more than BJP. और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, राज्यपाल के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। सीएम प्रत्याशी बीजेपी की ओर से येदियुरप्पा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि आप जबरदस्त मुकाबला कह सकते हैं कि ये दिखाई दे रहा है। कौन सरकार कर्नाटक में बनाने वाला है, या बीजेपी किंग होगी या कांग्रेस जेडीएस कुछ रणनीति बनाकर अपनी सरकार यहां पर बना लेंगे, इस पर अब ये पेज
लगातार फंसता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम प्रत्याशी येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें राज्यपाल के घर की बाहर की आप देख रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल ने भी ये साफ किया है कि जब तक रिजल्ट पूरी तरीके से घोषित नहीं कर दिया जाता वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचने वाले हैं, और यही वजह है कि अब येदियुरप्पा उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि हम सरकार बनाने के काबिल हैं और अब आगे का फैसला क्या होता है इस पर सबकी नजर होगी। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न में कोई कमी नहीं आई है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, अभी भी यहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और सरकार बनाने के लिए बीजेपी उत्साहित कर्नाटक में दिखाई दे रही है। 106 के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच चुकी है, जादुई आंकड़े से थोड़ी कम रही है बीजेपी, लेकिन फिर भी बीजेपी को ये विश्वास है कि वो अपनी सरकार बना सकती है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही देर में उनकी मुलाकात होगी। लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में पूरा विश्वास है। ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2018 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ कांग्रेस ने हालांकि जेडीएस को समर्थन देने की बात कही है, जेडीएस ने कांग्रेस का प्रस्ताव भी मान लिया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा येदियुरप्पा पेश करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेमकांत तिवारी जी, आपसे ये सवाल मेरा कि अब क्या विकल्प बचा है बीजेपी के पास? लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचे येदियुरप्पा, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सीएम सिद्धारमैया। एक सीट से येदियुरप्पा आगे हैं और सिद्धारमैया अपनी चामुंडेश्वरी सीट से हार चुके हैं। बादामी का रिजल्ट अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन आज वो अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजभवन कर्नाटक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर येदियुरप्पा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो प्रेमकांत जी, आपसे मेरा सवाल था कि अब बीजेपी के पास विकल्प क्या है? अब विकल्प के मामले में तो हम ये कहेंगे कि देखिए, राज्यपाल से अभी ये मिलने पहुंचे हैं जी। और उनको अभी राज्यपाल के पास एक ये डिस्क्रिशन है, एक ये विवेक है कि वो मिलने के लिए अभी थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा और भी विकल्पों पर निगाह डालें और थोड़ा सा अपने जो उनके विधिक सलाहकार हैं उनसे बातचीत करें कि ऐसी संभावनाओं में क्या, जबकि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक तरीके से तोते उड़ गए हैं कि उनके पास जो है अभी ऐसे समीकरण नजर नहीं आ रहे हैं जी। और आज भी जो अब समीकरण बचे हुए हैं उनमें ये स्थिति है कि उनको जो भी तरीके अख्तियार करना पड़ेंगे वो हो सकता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत शोभनीय नहीं होंगे जी। वो जोड़ तोड़ के हो सकते हैं, हाउस में स्ट्रेंथ को घटाने की एक कोशिश की जा सकती है कि मान लीजिए जेडीएस के कुछ विधायकों से कह दें कि आप इस्तीफा दे दीजिए जिससे कि
हाउस की जो पूरी स्ट्रेंथ है उसमें कुछ कमी आ जाए तो फिर इनके पास जो 107 और 108 का समीकरण बन रहा है आंकड़ा वो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए। लेकिन लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, भाजपा रोको प्रतियोगिता शुरू कर रही है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता के फैसले के विरोध का ये एक असफल प्रयास है। और केशव प्रसाद मौर्य का आप ट्वीट देख सकते हैं, कांग्रेस कर्नाटक में भाजपा रोको प्रतियोगिता शुरू कर रही है, भाजपा की शानदार जीत और कांग्रेस की करारी पराजय के बाद भी कर्नाटक की जनता के फैसले का विरोध करने का असफल प्रयास कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी कर रही हैं, परंतु कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कहां हैं इसका कोई पता नहीं है। एके मिश्रा जी, आपने इस तरीके के कई मामले देखे होंगे जब इस तरीके से पेज फंस जाती है जहां पर समझ नहीं आता है कि किंग आखिर उस राज्य का कौन होगा, तो अब आपके हिसाब से बीजेपी के पास क्या विकल्प है? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको जया, तीनों पार्टियों का अगर मैं एनालिसिस करूं, अभी कुछ दिन पहले तक जेडीएस जो है वो बोल रही थी हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे जी। एक मतलब 10 मिनट के भीतर देखिए कांग्रेस ने, अच्छा कांग्रेस भी यही बोल रही थी कि भाई हम जो है जेडीएस से जो है हाथ नहीं मिलाएंगे और सारी चीजें थी, 10 मिनट के भीतर सारे क्वेश्चन चेंज हो गए, दोनों ने एक दूसरे से जो है हाथ मिला लिया और दोनों रेडी हो गए हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। मेरा पहला ऑप्शन यह है कि अभी भी घंटे दो घंटे बाकी हैं, फाइनल वो आने पे 500,000, 2,000, 4,000 वोटों से भी सीट जो है इधर से उधर हो जाती है। बीजेपी जब इतने नजदीक पहुंच गई है तो मुझे नहीं लगता है कि जो इतनी संगठित पार्टी है, इतनी एग्रेसिव पार्टी है, वो 2-4 सीटों के लिए जो है ऐसे ही वहां पे गवर्नमेंट किसी और को बनने देगी। अभी भी जो मुझे लगता है जो नतीजे आएंगे वो ऑलमोस्ट आप देखिएगा, हो सकता है वो बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां पे क्लियर कट है, अदरवाइज ये चाहे दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात है या गलत बात है, वो एक दूसरी चीज है। मतलब नैतिकता के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, सारी पार्टियां कोशिश करेंगी कि हमारी सरकार बने और इसमें बट नेचुरल है जो मुझे लगता है बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी और वो सरकार बनाएगी। 113, 115, 117 तक का आंकड़ा वो लेकर के वो सरकार बनाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए देखिए जेडीएस या कांग्रेस जीते हारे उनके लिए उतना वो नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत सीरियसली इस इलेक्शन को लिया है, तो किसी भी तरीके से ये अपने हाथ से ये जाने नहीं देंगे। बिल्कुल प्रेमकांत तिवारी जी, जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है, क्या वो जेडीएस को तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगी? देखिए यही बात मैं भी यही कह रहा हूं कि अभी क्या है कि वो आंकड़े से बहुत करीब में पहुंचे जी, ये संयोग से मेरी आवाज मेरे ही कानों में लौट रही है। अच्छा, गूंज रही है। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि अभी चूंकि कहीं पर कुछ सीटों पर जैसे मार्जिन बहुत ही सकरा सा चल रहा है जी, और वो अभी टोटल रिजल्ट्स जो है वो उनके आ जाएं, तो ऐसी मिश्रा जी ने जो बात कही ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उनके सलाहकार, उनके कार्यकर्ता, बीजेपी कॉन्फ्रेंस काम कर रहे हैं कर्नाटक में, वहां आपको लेकर चलते हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां पर बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है। किस तरीके से अब बीजेपी सरकार बनाएगी राज्य की जनता को, यदि येदियुरप्पा ने धन्यवाद तो कर दिया है, राज्यपाल से मिलने गए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन यहां पर जेडीएस और कांग्रेस साथ आते दिखाई दे रही है, लेकिन अब इसमें बीजेपी की रणनीति क्या होती है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको अपडेट बता दें कि बीजेपी 106, कांग्रेस 77, जेडीएस 37 और अदर को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर है। किस तरीके से वो अपने इस आंकड़े को पूरा करती है ये देखना होगा।
और अब हमारे साथ बीजेपी से राजेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। अब कर्नाटक में जिस तरीके से अब सियासी समीकरण साफ होता दिखाई दे रहा है, क्या अब विकल्प आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी सरकार बनाने की, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो परिणाम आया है वो कांग्रेस के विरोध में आया है जी। कांग्रेस तो एक गलत प्रयास कर रही है सरकार में जाने का, जबकि वहां की जनता ने स्पष्ट कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए बोला है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम दिया है, पर बहुमत तो आपके पास भी नहीं है। अभी परिणाम आने दीजिए, अभी थोड़ा समय है परिणाम आने में जी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है उसके अनुरूप ही सरकार का गठन होना चाहिए वहाँ जी। लेकिन अगर बात की जाए जेडीएस और कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा कि वो कुमार स्वामी को सीएम पद दे देंगे, और अब जेडीएस ने भी ये बात साफ कर दी है कि वो समर्थन अपना देंगे, तो आपके लिए क्या विकल्प है? क्या आप जेडीएस को तोड़ पाने में कहीं ना कहीं संभव ये आपके लिए दिखाई दे रहा है? क्या जेडीएस आपके साथ आ जाएगी? नहीं, तोड़ फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यदि जेडीएस ने और कांग्रेस ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा होता जी, तब तो उनका जो गठबंधन माना जाता है एक स्वाभाविक होता। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जेडीएस चुनाव लड़ा है कांग्रेस की नीतियों के विरोध में, और उसको जनमत जो मिला है, जो समर्थन मिला है, वो भी कांग्रेस के विरोध में ही मिला है जी। इसलिए उन्हें विचार करना चाहिए। कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, जिस तरह से कांग्रेस का पूरे देश के अंदर से पतन हो रहा है, एक राज्य में बची थी वहां से भी चली गई, इसके बाद पंजाब और पांडुचेरी जी, दो राज्य बचते हैं, कांग्रेस अपने समापन की ओर है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के कौशल से जिस तरह से हमने वहां विजय हासिल की है, तो मेरा तो कहना यह है कि जेडीएस को विचार करना चाहिए, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। चलिए, अब प्रेमकांत तिवारी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा था इस बार का, कहां कमी रह गई राहुल गांधी की रणनीति में? देखिए, राहुल गांधी जी ने अपने तरफ से सारे प्रयास किए, उन्होंने जनेऊ भी पहने, गिरजाघर घर भी गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में भी गए, और उन्होंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन ये तो साबित हो गया कि सिद्धारमैया की सरकार के खिलाफ ये मैंडेट है जी। और ये स्थिति है, जबकि अब की बार स्थितियां ये है कि तीन पार्टीज जो है मुख्यतः चुनाव लड़ रही हैं, और पिछली बार 2008 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी, तो उसमें एक ये था कि जोड़ तोड़ करने के विकल्प ज्यादा मौजूद थे, छोटी छोटी पार्टियों के भी विधायक उसमें शामिल थे और उन पार्टियों के साथ में जोड़ तोड़। लेकिन इस बार देखिए, तीन पार्टी तो खासतौर से, और अन्य में दो ही हैं, 106 अगर भाजपा के पक्ष में आती दिख रही, कांग्रेस में 77 और जेडीएस के साथ में 37। और देखिए, कुमार स्वामी का एक इतिहास रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी दांव दिया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया मौके पर। लेकिन और पिता पुत्र में देवेगौड़ा और कुमार स्वामी में एक ये भी चलता रहा है कि हम भाई उससे मतलब नहीं रखेंगे अगर भाजपा के साथ में सरकार बनाएंगे। लेकिन आज की स्थितियां जो हैं उसमें ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी का एक मैंडेट मिला है, बिल्कुल, और जनता के शायद मन में यही बात रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि वो उस पाले तक आते आते रह गए, और रह जाने में अभी हमारे मिश्रा जी ने जैसी बात कही कि अभी कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन अगर उन रिजल्ट्स के बारे में सोचा जाए तो हमें यह देखना होगा कि कितना मार्जिन कितना है और वोट कितने गिने जाने अभी बाकी हैं। अगर लीड जो है वो ऐसी कन्विंसिंग लीड है, तब तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात यह कही जा सकती कि अभी 2-3 MLA और भी जीत जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है और कांग्रेस और भारतीय जेडीएस में एक ये समझौता हो चुका है कि वो भले कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाना हो जेडीएस के, लेकिन वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो कई दिनों से चुनाव होने के जस्ट बाद में इस एक्सरसाइज में लग गई थी कि अगर वो सूरत भी आएगी कि हंग असेंबली होगी तो हमें क्या क्या करना है, तो अभी हमें ये देखना होगा कि इनकी गणित और इनके समीकरण या इनके वो संपर्क कितना काम देते हैं, जो इन तीन मंत्री
कैबिनेट के सेंट्रल के जा रहे हैं वो तीनों कारगर कितना साबित होते हैं ये देखना पड़ेगा। और बहुत कुछ ये भी हम कह सकते हैं कि राजभवन के पाले में अभी गेंद है जी। तो राजभवन इस मौके पर क्या भूमिका अदा करता है हमें राजभवन की ओर भी देखना होगा। बिल्कुल जी जया, अब जिस तरीके से अगर एके मिश्रा जी बात की जाए कि लगातार अगर कर्नाटक चुनाव को देखा जाए तो सेमी फाइनल की तरह से इसको चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो दोनों इसको इसी तरीके से ले रही थी, लेकिन यहां पर एक कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को अब दे दी है, लेकिन अगर यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो उसका क्या असर हो सकता है राजनीति के हिसाब से? देखिए जया, अगर मैं एक मिनट के लिए ये मान लूं कि वाकई में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा और उनके जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए होगा कि गंगा के किनारे रह करके चिरैया प्यासी रह गई कि दो चार सीट का मार्जिन रह गया और आप वहां पे सरकार नहीं बना पाए। मैं फिर बोलता हूं कि इस चीज की संभावना नगण्य है, क्योंकि देखिए 500 वोटों से भी जीत जीत होती है, एक वोट से भी जीत जीत होती है और 1,00,000 वोट से भी जीत जीत होती है, रिजल्ट वही होता है। अभी घंटे दो घंटे बाकी हैं और कुछ सीटें हैं जहां पे मार्जिन मेरे ख्याल से 1,000-2,000 से लेके 10-20,000 तक चल रहा होगा, तो लेट वेट। मैं समझता हूं, देखिए मुझे एक चीज ये 101% लगता है अगर मैं तीनों पार्टियों का वो करूं, देखिए दोनों पार्टियां कांग्रेस और जेडीएस मिलाकर के उतनी ही मजबूत हुई है जितनी बीजेपी अकेले है, तो कांटे की टक्कर वो इसलिए है कि दो पार्टियां एक तरफ एक पार्टी एक तरफ है और कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी। देखिए कांग्रेस में भी टूट फूट, अगर बात टूट फूट की है तो कांग्रेस और जेडीएस दोनों में टूट फूट हो सकती है। उसका रीजन ये है कि अगर इंडिविजुअल कोई कैंडिडेट है कोई विधायक है तो वो ये अपना इंडिविजुअल कैरियर देखता है कि मेरा कैरियर सबसे ज्यादा कहां सुरक्षित है, तो इस हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा सुरक्षित कैरियर आज की डेट में किसी पॉलिटिशियन का बीजेपी में है, न कि कांग्रेस में है न जेडीएस में है। ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं। तो कोई झुकेगा तो किधर झुकेगा? कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या वाकई में इतनी मजबूत है कि वो अभी भी हार के बाद भी सारे नेताओं को बांध के रखे? सेम इज द कंडीशन फॉर जेडीएस। क्या जेडीएस की भी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है कि सारे नेताओं को वो बांध के रखे जो पिछले 10-15 साल से पावर में ही नहीं है? तो पावर में आने की छटपटाहट हर आदमी हर नेता को होती है, वो चाहेगा कि भाई मैं कैसे भी करूं मैं पावर में जाऊं मैं मंत्री बनूं। ये कुछ ऐसे जो है फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं जो कि कई नेताओं को जो है एक तरफ से तोड़ के दूसरी तरफ जो है वो ले आ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे हमें वेट करना चाहिए, इंतजार कर लेना चाहिए। बिल्कुल राजेश चौधरी जी, ये 22वां राज्य होगा जहां पर आपकी सरकार बन जाएगी अगर थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे में अगर कर्नाटक की बात की जाए तो अहम मुद्दे वो क्या होंगे जिस पर बीजेपी सबसे पहले काम करना चाहेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की 4 साल पहले केंद्र के अंदर सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी। तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है और पिछले 4 साल से हम उसी योजना पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप 2014 के पहले जाएंगी तो लगता है जैसे देश में बड़ा निराशा का भाव था, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ऐसा लगता था देश में कोई बहुत निराशा का भाव पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश को हम विकास के रास्ते पर ले गए और पूरे देश की जनता की एक आशा की किरण आज राजनेताओं में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, सब लोगों ने मिलकर के इस जीत को आगे बढ़ाया और हम निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर कर्नाटक को ले जाना चाहते हैं। 5 साल के अंदर बर्बाद करके कांग्रेस ने वहां रख दिया है। सिद्धारमैया ने जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार किया है उसकी पूरी पोल खुलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस चाहती है कैसे भी भारतीय जनता पार्टी शासन में ना आ जाए, वो आ गई तो भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी और जिस तरह से कांग्रेस जा रही है तो निश्चित रूप से जो है पांडिचेरी और पंजाब में भी वो उसकी स्थिति खराब होने वाली है। बिल्कुल प्रेमकांत तिवारी जी, जिस तरीके से अगर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर एक साफ अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर कर्नाटक में जिसकी भी जीत होती है वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक बिसात बीत जाएगी, कि 2019 उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए क्या विकल्प है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व जिस तरीके से लगातार कमजोर हो रहा है उससे 2019 में उनका कुछ असर रहेगा? देखिए ये बात सही है कि अभी कांग्रेस के प्रति लोगों में निराशा का भाव है
और कर्नाटक के रिजल्ट से भी ये जाहिर हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर प्रिवेल कर रहा था और इसी लिहाज से कांग्रेस को जनता ने वहां पर नकार दिया है। अब जाहिर है कि ये जेडीएस की जो स्थिति इस समय ऐसी बन गई कि वो किंग मेकर की भूमिका में, और दूसरी बात ये कुमार स्वामी का जो हमने कहा अभी पहले कि उनका इतिहास भी ऐसा रहा है कि वो येन केन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें उदाहरण एक बार का वो झारखंड का भी याद आता है कि जब मधुकोड़ा मुख्यमंत्री बना दिए गए थे और वो निर्दलीय विधायक थे। देखिये मुकद्दर का भी कुछ ऐसा सिलसिला होता है, तो ऐसे ही कुमार स्वामी के कह लीजिए कि भाग्य में कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने सबसे कम शक्तिवान होते हुए भी ऐसी स्थिति में है कि अपने टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में आ गए और कांग्रेस ये सोच रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ना आ पाए। लेकिन ये तो तय है कि अभी कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए वहां नायब के रूप में रहती है, इट प्लेज सेकेंड फिडल, तो जूनियर रहने के बाद, जूनियर पार्टनर रहने के बाद में कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। और एक बात अभी यह है कि केवल कुमार स्वामी ने अभी अपने लिए मुख्यमंत्री पद ही नहीं मांगा है, बल्कि उन्होंने 14 एक दर्जन से ज्यादा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग भी मांग लिए हैं कि मंत्री हमारे इतने होने चाहिए। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छा कर भी पाएगी। बिल्कुल। और दूसरी एक बात, अभी इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, विकल्पों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से वर्कआउट कर रही थी चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद से, अभी हो सकता है कोई हमें ऐसा चमत्कार भी देखने को मिले जी। जिस तरीके से वो मेघालय में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बाद में जो सरकार बनी कोएलिशन की, दो विधायक होने के बावजूद वो सरकार में शामिल हैं। हम ये नहीं कहते वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, कॉनराड संगमा वही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक थैला तो सील ही लिया। वो भले थैला कमजोर है लेकिन अपनी को उपस्थिति तो दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए ये किसी तरीके से सत्ता में आते हैं तो इनके निगाह में 2019 होगा और कदाचित अगर विपक्ष में भी इनको बैठना पड़ेगा तो ये ऐसी कुछ सूरते हाल बनाने की कोशिश करेंगे कि 2019 में इनके लिए मददगार हो और कर्नाटक में वो इस चीज की सिंपैथी गेन करें कि साहब देखिए हम इतने करीब थे, हमको मौका नहीं मिला और ये जनता दल एस का ये लालच रहा, ये कांग्रेस की ये रणनीति रही और उन्होंने हमको हराने के लिए, हमको सत्ता से दूर रखने के लिए ये किस किस तरीके के समझौते किए और किस किस तरीके के समीकरण बनाए। बिल्कुल, संवेदना तो पाने की कोशिश कांग्रेस की। मैं समझता हूं जो आपका एक सवाल था जी, राजेश चौधरी जी, आपसे अब ये सवाल की जिस तरीके से गठबंधन को लेकर आपको घेरने की कोशिश हो रही थी, अब 2019 के लिए आप गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 2019 का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होगा जी, और देश के अंदर जो आज एक मोदी लहर चल रही है उसमें 2019 के चुनाव में मैं नहीं समझता कहीं कोई टक्कर दे पाएगा जी। ये तो सब लोग अपना अस्तित्व, जब इनका खत्म हो रहा है तो अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं, इनका कैडर सब इनसे टूट चुका है और अपने अपने एजेंडे पे ये लोग काम करने वाले हैं, ये कोई देश के लिए काम करने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी जिस तरह से तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो सम्मान बढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जनता तय कर चुकी है 2019 तो भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर कांग्रेस लगातार घेरने की कोशिश करती रही है, लेकिन अगर एक के बाद अगर त्रिपुरा का चुनाव भी हम देख लें और अब कर्नाटक में भी जनता ने समर्थन अपना दिया है बीजेपी को, कांग्रेस से कहीं ना कहीं ज्यादा, तो क्या माना जा सकता है कि बीजेपी ने जो ये बड़े फैसले लिए वो गलत थे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, बीजेपी का क्लीन स्वीप वाला जो ट्रेंड था वो तो रुका है। बहुत पहले मैंने बोला था नो मोर क्लीन स्वीप बाय बीजेपी एक चैनल पे,
तो ये इन सब फैसलों के कारण ये रिजल्ट है कि बीजेपी जहां पहले एकदम से ही सुपड़ा साफ कर देती थी वो नहीं कर पा रही है। फिलहाल वो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है या प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस या सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। इसमें दो रीजन है, देखिए एक तो कांग्रेस उतनी मजबूती और स्ट्रेटजिक वे में या कोई और भी अपोजिशन पार्टी वो बीजेपी को घेर नहीं पा रही है। विपक्ष का कमजोर होना या स्ट्रेटजिक या रणनीतिक रूप से कुछ कमजोर होना आपके राइवल जो पार्टी है बीजेपी वो उसकी मजबूती अपने आप बन जाती है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी की अपनी रणनीतिक दक्षता है, अपनी योग्यता है कि वो प्लान को इस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कि हर जगह वो एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस या ऑप्शन की तरह आए। अगर यही ट्रेंड चलता रहा, देखिए अगर मान लीजिए जैसे ऐसे ही हुआ बीजेपी को यहाँ सरकार बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई तो बीजेपी के कान खड़े हो जाएंगे, वो समझ जाएगी कि हाँ भाई मेरे लिए आगे प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से यूपी वगैरह में हमको मिला था वैसा नहीं मिल रहा है, तो ये फटाफट ये काम करेंगे कि आगे आने वाले चुनावों में ये और लिबरल हो जाएंगे, नोटबंदी जैसा जो है दुस्साहसिक काम ये फिर नहीं करेंगे। देखिए इसका असर है, अगर देखिए पब्लिक बहुत खुश होती ना तो 115, 120, 125, 140 तक का जो है मैंडेट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए चार साल जब बीत जाते हैं ना तो एक नेचुरल डिटेरिएशन भी होता है, आप अपने उतने सारे वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक के सामने आने लगती है और मोनोटोनस नेचर होने के कारण पब्लिक भी जो है जानने लगती है, इंटरेस्ट खत्म होना शुरू होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसके कारण ये रिजल्ट आज आप बीजेपी को देख रहे हैं। तो चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, येदियुरप्पा ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात की है, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी हलचल चरम पर है और इस बीच अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है और सरकार बनाने के लिए बहुमत से 8 कदम दूर बीजेपी है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन है। तो बीजेपी किस तरीके से सरकार यहां बनाती है, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है। कांग्रेस और जेडीएस भी सियासी समीकरण को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या मुकाबला होता है ये देखना होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।